गुरु पूर्णिमा का अवसर है और परम पूज्य छोटे भैया का प्रवचन है कि 364 दिन तो गुरु शिष्य की सेवा करते हैं और एक दिन शिष्य ये प्रयास करता है कि उनकी जो कृपा और करुणा प्राप्त हुई उसको उससे कैसे उऋण हुआ जाए, उनकी सेवा करके ही ये संभव है कि वो हमसे प्रसन्न हो। जो गुरु के लिए यूं तो मनुष्य आध्यात्मिक साधना करके एक स्तर पर पहुंच सकता है, लेकिन अंतिम पद प्राप्त करने के लिए गुरु की सहायता की आवश्यकता है। और यही हम देखते हैं कि यहाँ हमारे सिलसिले में जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है और गुरु ही हमारे लक्ष्य है। और जैसा अभी परम पूज्यालोक भैया कह रहे थे कि भक्त होने का अभिमान अंतिम अवस्था में रुकावट डालता है और उसको निर्मल करने के लिए उस समय गुरु ही हमारी सहायता करते हैं। और इसके लिए परम पूज्य छोटे भैया कुछ प्रसंग सुनाते थे। एक तो नारद जी का था कि नारद जी को ये बहुत अभिमान था कि मैं भगवान विष्णु के पास किसी भी समय जा सकता हूँ, उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ, विष्णु लोक में जाता हूँ। तो उनको ये अभिमान था। एक बार वो भगवान विष्णु के यहाँ गए, उनसे वार्तालाप करी और जब वो वहाँ से रवाना हुए तो उन्होंने देखा कि उस स्थान को वहाँ के सेवक साफ कर रहे हैं। तो ये उन्होंने वापस आके पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बैठे थे वो निगुरे थे, इसलिए ये अशुद्ध हो गया और इसलिए यहाँ की सफाई हो रही। तब वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने यही कहा कि ये बात सत्य है कि निगुरे की मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम एक गुरु को प्राप्त करो। उन्होंने जब उनसे विनय की तो उन्होंने कहा कि कल सुबह जो भी तुम्हें मिले उसी को तुम गुरु कर लेना। और जब वो अगले दिन सुबह सुबह वो उनको एक मछुआरा मिला और उन्होंने उसे गुरु किया। और जब वो वापस भगवान के पास आए तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें गुरु मिल गए? तो बोले कि हाँ मिल तो गए, परंतु तो बोले परंतु क्या? कि परंतु वो एक मछुआरा है। तो बोले कि तब तो तुम्हें ये तुम अपने गुरु के प्रति ऐसा भाव लाए हो तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तो वो बहुत विचलित हो गए और रोने लगे। तो उन्होंने भगवान विष्णु ने यही कहा कि अब तुम अपने गुरु के पास जाओ, वो ही युक्ति बताएंगे। वो फिर उन्हीं के पास गुरु के पास गए तो वो जो मछुआरा था वो उन्होंने कहा, काफ़ी देर तो वो ऐसे ही आनाकानी करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि विष्णु को कहना कि जमीन पर धरती पर रेखा खींच के बता दें कि क्या स्वर्ग है और क्या नरक है। और जब वो रेखा खींच दें तो तुम उस पर लौट जाना। और यही कहा उन्होंने किया। वो वापस भगवान के पास गए,
भगवान ने उनसे कहा कि आप यहाँ पर मेरे को बता दें कि क्या नरक है, क्या स्वर्ग है। और जब उन्होंने रेखा खींच दी तो वो उस पर लौटने लगे, तब उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो बोले कि वो नरक भी आपने ही बनाया, ये नरक भी आपने बनाया, मैं इसे भोगे लेता हूँ। और जब वो ऐसा कर रहे थे तब भगवान ने कहा कि ये युक्ति तुम्हें किसने बताई। तो बोले ये मेरे गुरु ने बताई। तब वो बोले कि अब तुम्हें समझ में आया कि गुरु क्यों आवश्यक है। जो वो तब नारद जी उनके भी चरणों में पड़े और फिर उनका अहंकार निर्मल हुआ। उन्होंने ये कथा ये बताती है कि कैसे भगवान हम लोगों की सहायता करते हैं, अंतिम पद पर भी गुरु की आवश्यकता होती है। और एक संत नामदेव की का प्रसंग है कि नामदेव जी भी विट्ठल से बातें करते थे, उनसे हाथ से दूध पिया करते थे, तो वो भी उनको भी बहुत अहंकार था। और उसके लिए भी जो भगवान ने ही ऐसी वो रची कि एक बार गोरा जी के यहाँ संतों की गोष्ठी हुई और उस गोष्ठी में सभी आए और संत ज्ञानेश्वर और उनकी बहन मुक्ता बाई सभी थे, वो वहाँ बैठे थे। गोरा जी कुम्हार थे तो मुक्ताबाई ने वहाँ पर देखा कि एक लकड़ी का हथौड़ा पड़ा है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या है। तो वो बोले कि ये थापी है जिससे हम ये देखते हैं कि कौन सा घड़ा पक्का है और कौन सा घड़ा कच्चा है। तो वो मुक्ताबाई ने उनसे बोला कि आप हम लोगों को भी देखिए कि हमारा घड़ा किसका घड़ा कच्चा है, किसका पक्का है। और गोरा जी ने उस जो थापी थी उसको सबको उनकी पीठ पर वो मार के हल्का हल्का देखने लगे। और तब नामदेव जी को ये हुआ कि ये कैसा है, ये तो कुम्हार है, ये क्या बताएंगे कि कौन संत। क्योंकि तब संत नामदेव की बहुत ख्याति हो गई थी और वो अपने को भी बड़ा संत मानते थे। तो जब वो सबकी पीठ पे थापी दे रहे थे तो जब नामदेव जी का नंबर आया तो उन्होंने उन पे कुछ जोर से ही थापी मारी। और ये देख करके वो कुछ बिलबिला गए। और जब सबका हो गया तब मुक्ताबाई ने कहा कि अब ये बताइए कि किसका घड़ा कच्चा है और किसका पक्का है। तो गोरा जी बोले कि ये जान करके तुम क्या करोगी। लेकिन जब उन्होंने बहुत कहा तो उन्होंने कहा कि नामदेव का ही घड़ा कच्चा। ये सुनकर वो बहुत अपमानित महसूस किया। और जब गोष्ठी खत्म हुई तो सीधे भगवान विट्ठल के मंदिर में गए और वहाँ जाके विलाप करने लगे कि मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आप से मेरी इतना, आप कहते हैं कि तू मेरा सबसे अच्छा भक्त है, फिर आज मेरा इतना अपमान हुआ तो आपने कुछ नहीं किया। वो भगवान यूं तो हमेशा प्रकट हो जाते थे लेकिन आज वो प्रकट नहीं हुए। वो काफ़ी देर वहाँ विलाप करते रहे लेकिन अंत में जब उन्होंने अपना सर पटकना चालू कर दिया तब विट्ठल प्रकट हुए और बोले कि ये सत्य है कि तू मेरा अच्छा भक्त है, ये भी सत्य है कि गोरा जी ने जो कहा है कि उनका अगर आगे इनकी अगर जो
घड़ा कच्चा है तो गोरा जी ने ये भी कहा था कि अगर तुम्हें अपना घड़ा पक्का करना है तो तुम्हें विशोबा जी को गुरु बनाना होगा। विशोबा संतों की सेवा में लगे रहते थे और वो सभी में अपने गुरु का रूप देखते थे। तो विशोबा जो के उनके सेवक थे संतों के, उनको गुरु बनाने के लिए जब गौरा जी ने कहा तो उसको उनको ये बहुत बुरा लगा। तो विट्ठल जी से यही कहने लगे कि ये कैसा मेरा अपमान है। तब जब विट्ठल प्रकट हुए तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हें उन्हें ही विशोबा जी को गुरु बनाना होगा, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। तब जब भगवान बिल्कुल नहीं माने तब वो विशोबा जी के यहाँ गए। वहाँ पता चला कि दूर भगवान का जंगल में एक मंदिर है, वहाँ पर विशोबा जी हैं। वो वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि विशोबा जी लेटे हुए हैं और उनके जो पांव हैं वो भगवान के लिंग के ऊपर रखे। ये देख के उन्हें और वो हुआ कि ये कैसे हैं, भगवान के लिंग के ऊपर इन्होंने अपने पांव रख रखे। तब वो जो विशोबा जी, वैसे उनको संत नामदेव कहते थे, उस दिन बोले कि नेम्या तू आ गया, देख मेरे को बहुत कमजोरी हो रही है, तू ये मेरे पांव भगवान के लिंग से हटा के दूसरी तरफ रख दे। नामदेव जी ने वही किया, वो झुके, उनके चरणों को वहाँ से हटा के दूसरे स्थान पर रखा। तो देखते क्या है कि वहाँ पर भी भगवान का लिंग उनको सहारा देने के लिए आ गया। ऐसे करके उन्होंने तीन बार किया, लेकिन तीनों बार वहीं पर जहाँ उनके चरण थे वहीं पर भगवान का लिंग आ गया। तो ये देख के उनको, वो तीन बार जब उन्होंने उनके चरणों को छुआ तब उनको ये ज्ञान हुआ कि ये तो कैसे मेरे से भी बड़े महात्मा हैं, जिन्हें सहारा देने के लिए भगवान हर जगह उत्पन्न हो जाते। तब वो उनके चरणों में गिरे और जब उन्हें ज्ञान हुआ तब उन्होंने देखा कि विट्ठल, विशोबा और वो स्वयं एक ही रूप है। तीनों में उन्हें एक ही रूप दिखलाई पड़ा। और यही हमारे यहाँ जैसा वो बतलाते थे कि यही जब गुरु, ईश्वर और भक्त एक हो जाते हैं तभी मोक्ष प्राप्त करता है। यही मोक्ष का रास्ता है और यही इस रामाश्रम सत्संग की सबसे बड़ी अनूठी बात है, जो गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के लिए करी कि उन्होंने गुरु और ईश्वर को एक कर दिया। जहाँ हम देखते हैं कि दादा गुरु महाराज के दूसरे फिरकों में भी ये अंतर है कि यहाँ गुरु महाराज ने और पंडित जी महाराज इतना ऊंचा स्तर दिया कि हमारे यहाँ शुरू से ही गुरु और ईश्वर को एक कर दिया जाता है और बाद में वही रास्ता इतना सरल हो जाता है कि वो अंत तक जब वो दो बिंदु से एक बिंदु यानी गुरु और शिष्य एक हो जाए, खाली वो त्याग से करता है, उसमें अपना प्रेम भरते हैं। और मन की सेवा सबसे ही ऊंची है, जो कि मन, जो कि पूरा आत्मा को जिसने घेर रखा है, वो मन जब गुरु में हो जाता है तो सारे विकार नष्ट होने लगते हैं। और मन की सेवा का एक ही मापदंड है और एक ही तरीका है कि सारी इच्छाएं गुरु की इच्छा में मिला। यही हमारे सभी महान संतों ने करा है कि जो गुरु ने कहा वही उनके लिए सर्वोपरि, और कैसे धीरे धीरे शैने शैने सारी इच्छाएं गुरु की इच्छा में मिला दी, सारा
सुबह से शाम सारा तन मन सब कुछ उन्हीं का समझा। ये यहाँ का बहुत ऊंचा आदर्श रहा, यही इसको हमको अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाने में सरलता का अनुभव हमें सबको होता है। अब हम वही साधना जो गुरु महाराज ने हमको दी है, वही उसी का अभ्यास करेंगे। साधना इस प्रकार है कि आंख बंद करके ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, वो हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय मंडल उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हमारा रोम रोम उस प्रकाश में लय होता चला जा रहा है। पहले यहाँ की दो प्रार्थनाएं होंगी, गुरु वंदना और ईश स्तुति। जब प्रार्थनाएं जिन भाइयों को याद है वो एक स्वर में कहेंगे, जिन्हें नहीं याद है वो शुरू से ही इस ध्यान की क्रिया में लग जाएंगे। क्रिया एक बार और बता दें, आंख बंद करके ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, वो हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय मंडल उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है और हमारा रोम रोम उस प्रकाश में लय होता चला जा रहा है। पहले यहाँ की दो प्रार्थनाएं होंगी, गुरु वंदना और ईश स्तुति। जिन भाइयों को याद है वो एक स्वर में कहेंगे, जिन्हें नहीं याद है वो शुरू से ही इस ध्यान की क्रिया में लग जाएंगे। ध्यान चलता रहेगा, शांति छा जाएगी। जब यहाँ से परम पूज्य का आदेश हो तभी ध्यान भंग करें और आँख खोलें। आँख बंद करके ध्यान करें।